हेलो डियर ऑल, अवर टुडेज टॉपिक इज इंडियन स्पोर्ट्समैन, विच इज़ लेसन नंबर फर्स्ट फ्रॉम योर जीके बुक। इफ़ आपको वीडियो पसंद आता है सो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम योर जीके बुक, इंडियन स्पोर्ट्समैन। ठीक है ना, इसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा, चैप्टर का नेम क्या है, इंडियन स्पोर्ट्समैन। ठीक है ना, तो स्पोर्ट्समैन क्या होते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं। ठीक है, और हमें इस चैप्टर में किन के बारे में पढ़ना है, इंडियन स्पोर्ट्समैन के बारे में पढ़ना है जो फेमस हैं, है ना। इंडिया में तो फेमस हैं, वर्ल्ड में भी फेमस हैं, जिन स्पोर्ट्समैन के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेटा जैसे कि आपको पता है टर्म वन हमारा हो गया, टर्म टू हमारा हो गया, आज हम क्या कर रहे हैं, टर्म थ्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। ओके, सो कोई डाउट नहीं है ना। ओके, तो सीधा आ जाते हैं हमारे चैप्टर में और देखते हैं हमें इसमें करना क्या है। ठीक है ना, ओके, सो सी, मैनी स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया हैव मेड इंडिया प्राउड इन द वर्ल्ड बाय देयर अचीवमेंट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये इंडियन स्पोर्ट्समैन है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपसे बोला कि ये इंडिया में तो फेमस है ही, साथ में क्या है, वर्ल्ड में फेमस है, और इन्होंने इंडिया को प्राउड फील करवाया है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया को प्राउड फील करवाया है इन्होंने, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। तो इंडिया में फेमस होने के साथ साथ ये वर्ल्ड में फेमस हैं अपने अचीवमेंट के कारण, कि किस खेल में ज़्यादा एक्टिव हैं, क्या हैं। ठीक है, ओके ओके, सो करना क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स स्टार्स, चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, हमेशा ये क्या होता है, हेल्प बॉक्स होता है, जिसकी हेल्प से हम आंसर फिल करते हैं। बट आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती नहीं है, क्योंकि मैं आंसर आपके सामने पहले से ही यहाँ पे लिख देती हूँ, जो भी ब्लैंक बॉक्स होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपने बस ध्यान से सुनना होता है कि मैं बोल क्या रही हूँ, और उसको समझना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो बस इतना अच्छे से कर लिया करो। ओके ओके, सो स्टार्ट विद दी, हाँ, और करना क्या है कि जो फ़ोटोज़ बनी है आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये फ़ोटोज़ इनको देखना है, और यहाँ पर क्या लिखा है, उनके गेम के नेम लिखे हैं छोटू छोटू से, है ना, कि वो क्या खेलते हैं। हमें क्या बताना है, ये जो स्पोर्ट्समैन का फ़ोटो बना हुआ है सब, उनका नेम क्या है। ठीक है, दिया हमको क्या क्या है, जैसे कि इसमें देखो ये फ़ोटो है और ये उनके स्पोर्ट का नाम है कि वो किस चीज़ को खेलने में फ़ेमस हैं। ठीक है ना, हमने क्या लिखना है, इनका जो हमें पिक दिख रही है उनका नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उनका नाम कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना। क्लियर हुआ ना, चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट विद दिस वन, ये मैंने किया जूम। ओके सी, ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है इनका नेम क्या है, इनका नेम है एमसी मैरी कॉम। ठीक है, इनका नेम क्या है, एमसी मैरी कॉम, और ये कौन सा गेम खेलती हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है बेटा, किस स्पोर्ट्स के लिए, तो ये बॉक्सिंग के लिए है ना। टीवी में आपने देखा होगा ना, बॉक्सिंग बच्चे देखते हैं आजकल, तो बॉक्सिंग आपने देखा होगा, तो डिशम डिशम मारते हैं जिसमें, है ना, ऐसे ग्लव्स पहन के, तो वही होता है बॉक्सिंग। ठीक है, तो जो ये मैरी कॉम है, एमसी मैरी कॉम है, वो ये है उनका फ़ोटो है, कभी भी देखना इनको कहीं भी तो पहचान जाना कि ये कौन है, ये एमसी मैरी कॉम है। ठीक है ना, इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, प्रियंका चोपड़ा ने उसमें, उस मूवी में प्रियंका चोपड़ा थी जो इनके रोल में थी। ठीक है ना, तो इनकी मूवी भी आई है, देखना आप उस मूवी को। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, और इसमें उनसे क्या होगा कि उनकी पूरी लाइफ के बारे में आपको पता चल जाएगा उस मूवी को देखोगे तो। ठीक है ना, ओके, सो ये कौन है, ये एमसी मैरी कॉम है, और ये क्या किस स्पोर्ट के लिए फेमस है, ये बॉक्सिंग के लिए। ओके चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट सी, इनका फ़ोटो देखो, ये जो फ़ोटो आपको दिख रही है, इनने हाथ में क्या लिया हुआ है, एक शॉर्ट गन ली हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, शूटिंग, तो शूटिंग क्या होता है, शूट करना, है ना, शूट किया, निशाना लगाना, शूट करना, तो उसके लिए फेमस हैं। इनका नेम क्या है, इनका नेम है विजय कुमार। ठीक है ना, शूटिंग के लिए फेमस हैं ये, इनका नेम है विजय कुमार। अब इनका फ़ोटो कभी देखना तो आपको पता चल जाएगा, फटाक से आप आंसर बता दोगे कि मैम ये विजय कुमार है। कोई पूछेगा किस चीज़ के लिए फेमस हैं, तो क्या बोलोगे, शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, थर्ड सी, ये मैंने किया जूम, थर्ड
ये वाला फोटो दिख रहा है आपको, ये इनका नेम क्या है? सुशील कुमार। इनका नेम है सुशील कुमार, आपने काफ़ी इनका नेम सुना होगा। ये सुशील कुमार है और ये क्या, रेसलिंग। रेसलिंग एक गेम होता है ना, रेसलर्स होते हैं बहुत सारे, आप WWE वगैरह देखते होगे ना, तो मतलब ये वही है, ठीक है ना, रेसलिंग गेम के लिए, रेसलिंग स्पोर्ट्स के लिए फेमस हैं। इनका नेम क्या है? सुशील कुमार। ओके चलो अब आ जाते हैं, 3 हो गया, हम आते हैं 4th में, ठीक है। ये 4th नंबर का पिक है, ये दिखा आपको, ये है बेटा साइना नेहवाल। क्या नेम है इनका? साइना नेहवाल। और ये किस गेम के लिए फेमस है, कौन सा गेम खेलती हैं ये, कौन सा स्पोर्ट्स? बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन आप लोग सब लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, बैडमिंटन क्या होता है, हम ही नॉर्मली बैडमिंटन काफ़ी खेलते हैं ना, बट ये क्या है, ये चैम्पियन है। हम तो खेल लेते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, चलो ठीक है हमने खेल लिया, बट हम चैम्पियंस थोड़ी ना है। चैम्पियन कौन है? साइना नेहवाल, ये उस गेम में चैम्पियन है, ठीक है। तो किस गेम के लिए फेमस है ये? बैडमिंटन के लिए। ओके इनका नेम है साइना नेहवाल, ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा, आई रियली होप सुना ही होगा। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन है ये, तो मेरे बिना बताए आंसर कर दोगे। ये वाला फोटो देखो, कौन है ये? ये हैं महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। क्या है ये? क्रिकेटर हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, हमारी इंडिया इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं, है ना, और विकेट कीपर, बहुत अच्छे विकेट कीपर, ठीक है ना। तो कौन है ये? ये हैं महेंद्र सिंह धोनी, इनके ऊपर भी मूवी आई थी, ठीक है ना, अनटोल्ड स्टोरी महेंद्र सिंह धोनी। किसने उसमें एक्ट किया था? सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो कि अब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन है? ये हैं महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना। तो इनको तो आप लोग पहले से ही जानते होगे कौन है, ठीक है ना, मैंने तो फिर भी ऐसा फॉर्मेलिटी बता दी आप लोगों को, है ना। ओके सो यहाँ पर हो जाता है आपका जो चैप्टर है वो फिनिश, ठीक है। ओके नाउ सी, डू यू नो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये लिखा है, अभिनव बिंद्रा इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। अभिनव बिंद्रा जो हैं उन्होंने क्या किया है, ओलंपिक्स में सबसे पहला गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, ठीक है। इन्होंने, अभिनव बिंद्रा ने, उनका नेम क्या है? अभिनव बिंद्रा, जो कि इंडियन है, और क्या लेकर आए हैं? सबसे पहले गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में इंडिया के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 1st, इंडियन स्पोर्ट्समैन फिनिश, ठीक है ना। यहाँ पे हमने चैप्टर फिनिश कर लिया। आई रियली होप बेटा कि बहुत छोटू सा चैप्टर था, क्यूट सा चैप्टर था, आई रियली होप समझ आ गया होगा, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। ओके नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।